हेलमोस्टेक में आपका स्वागत दोस्तों। आज की स्टूडियो हम बात करेंगे सैमसंग का जो M21 जो डिवाइस है उसके लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है सैमसंग की ओर से। क्या क्या अपडेट में मेंशन किया हुआ है और कौन सा सिक्योरिटी पेज आपको देखने को मिलेगा इस अपडेट के थ्रू और व्हाट्स न्यू में आपको क्या मेंशन किया हुआ है, सो कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें हमारे यूट्यूब चैनल में आप न्यू चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो पे कमेंट करो। तो चलिए शुरू करते हैं, पर बात करते हैं सैमसंग का जो M21 जो डिवाइस है उसके न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर पहले MB साइज की बात करें तो 121 MB के आसपास ही अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। और सिक्योरिटी पेज अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको जून का सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिलता है, थोड़ा एक दो मंथ पुराना मिलता है, पर कोई बात नहीं, अपडेट तो आया आपके डिवाइस में। और यहाँ पर बात करें तो डिवाइस में मतलब व्हाट्स न्यू में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो इसका कैमरा था आपके डिवाइस का जो कैमरा था इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ओवरऑल डिवाइस की जो परफॉर्मेंस थी उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया है सैमसंग ने। और यहाँ पर आपके डिवाइस की जो सिक्योरिटी थी इसको भी इम्प्रूवमेंट किया है यहाँ पर से, और बग एंड इशूज को फिक्स किया है इस अपडेट के थ्रू। और जो डिवाइस की स्टेबिलिटी थी उसको भी इम्प्रूवमेंट किया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाया है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप भी इस अपडेट को आपके डिवाइस में कर लीजिएगा। तो आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको अपडेट शो हो जाएगा। तो ये अपडेट आप कर लीजिएगा, आपके पास थोड़े टाइम बाद आया बट अपडेट तो आया। तो इस वीडियो में इतना ही था, और हमारे यूट्यूब चैनल में आप नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।